हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल सी वन मोर एग्जांपल ऑफ फॉर्म्स। कुछ कंट्रोल हैं जिनको हम अगेन क्रिएट करेंगे। कुछ कंट्रोल्स हमारे पहले एग्जांपल में मैंने आपको बताए थे, इस एग्जांपल में हम कुछ डिफरेंट कंट्रोल्स देखेंगे। सो दिस इज फॉर्म एग्जांपल डॉट html। ओके, अगेन फॉर्म लेने के लिए मैं html लिखूंगी। ओके, नाउ इनसाइड द बॉडी टैग अभी नाउ आई टेक फॉर्म। ओके, फॉर्म क्रिएट करने के लिए टैग होगा हमारा फॉर्म। इस फॉर्म के अंदर बाकी सारे कंट्रोल्स आएंगे जो भी आपको लेने हैं। सो मैं आप सिंपल एक ले रही हूं, नेम। ओके, सो नेम आप इधर लेबल से भी नेम ले सकते हैं। आई विल शो यू बोथ द वेज। ओके, सो नेम ले लिया मैंने एंड आई एम क्रिएटिंग द कंट्रोल दैट इज इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट। टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट होगा इधर। ओके, और उसका आईडी आई कैन गिव एज नेम। आई एम ओनली टेकिंग आईडी फॉर फर्दर यूज। ओके, सो हियर आई एम यूजिंग सिंगल लाइन ब्रेक। नाउ आई विल क्रिएट वन मोर फील्ड दैट इज पासवर्ड फील्ड। ओके, सो इसके लिए इनपुट टाइप इज पासवर्ड। एज यू कैन सी, ओके, आईडी विल बी पास। ओके, सो अगेन आई एम यूजिंग ब्रेक। देन आई विल क्रिएट वन बटन नेम्ड सबमिट बटन। ओके, तो इनपुट टाइप विल बी सबमिट एंड ये सारे छोटे छोटे कुछ एरर रह जाते हैं, उनको ठीक करना पड़ेगा हमें। ओके, वैल्यू इज इक्वल्स टू सबमिट। And my form is closed over here. So I'm saving it and will run it. So you can see name and password. Okay, whatever you are writing, it is coming in the star. Okay, asterisk आ रहा है क्योंकि ये password field है और name आप लिख रहे हो तो name proper आ रहा है because this is a password field with her. आपको शो नहीं हो रहा है वॉट एवर यू आर टाइपिंग। सो दिस पासवर्ड फील्ड आई हैव क्रिएटेड एंड दिस सबमिट बटन। नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटन दैट वी विल सी। ओके, एक बटन हमने क्रिएट कर लिया सबमिट एंड वन मोर बटन आई हैव टोल्ड यू। नाउ वी विल क्रिएट इनपुट रीसेट बटन। टाइप is equals to reset. Okay, so this will reset all the content of your form. Okay, here I'm creating different type of buttons. Okay, so button ke naam se bhi ek इनपुट है। इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू बटन। हियर आई एम यूजिंग आईडीएस ओके एंड वैल्यू ऑल्सो ओके। ओके, सो ये बटन बन जाएगा ओके का। नाउ वी विल अगेन क्रिएट वन मोर बटन, एक इमेज बटन बनाना। ओके, इनपुट टाइप
image. Okay, now I need to take the ID as I can give any name to this image. मुझे इसका सोर्स लेना पड़ेगा, ठीक है, कहाँ है इमेज. सो फॉर दिस पर्पस आई नीड टू प्रोवाइड द सोर्स, ठीक है. सो हियर आई एम टेकिंग द दिस इंडिया डॉट जेपीजी एज माई इमेज, ठीक है. सो इंडिया डॉट जेपीजी यू कैन सी okay, now I'll save it and I'll run it again. So you can see this is now is button, ठीक है, image button बन गया है. Submit मैंने आपको पहले बताया था, reset, okay, reset से सब कुछ reset हो जाएगा. Okay button इस पे कुछ coding नहीं है, submit पे भी कोई coding नहीं है अभी, but we can submit our data to the server by using submit button. और इधर ये इमेज बटन बन गया है, आप इमेज देख सकते हैं. इस पे अगर आप माउस ओवर करोगे तो एक आइकन चेंज हो रहा है, ठीक है. तो इस पे हम कुछ भी क्लिक करवा सकते हैं, मतलब इसकी क्लिकिंग पे वी कैन सेंड दिस डेटा टू द सर्वर और वी कैन सेव इट टू द डेटाबेस. ये सब कुछ हम इस इमेज की क्लिकिंग पे करा सकते हैं, ठीक है. सो इधर दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटन्स. ये सारे हमने बटन बनाए हैं और उनमें कुछ वैल्यू प्रोवाइड करी है, ठीक है. टेक्स्ट एरिया मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ. सो नाउ वी विल सी फील्ड सेट. फील्ड सेट एंड चेकबॉक्स आई वॉन्ट टू शो. ओके, सो फर्स्ट वी विल सी चेकबॉक्सेस. ओके, आई क्रिएट चेकबॉक्स ओवर हियर. सो चेकबॉक्स के लिए इनपुट टाइप इज चेकबॉक्स, ठीक है. सपोज आई एम क्रिएटिंग दिस चेकबॉक्स फॉर हॉबी, ओके. इनपुट ब्रेक हियर, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू checkbox, okay, and ID I'm giving as cricket okay, and value will be cricket. इसका value देना must है क्योंकि ये coding के time पे यही value काम करेगी, ठीक है. जब भी आपको ये डेटा कहीं सेंड करना है, डेटाबेस में सेव करना है, तो सर्वर को भेजना है, तो हम इसी वैल्यू पे काम करेंगे, ठीक है. तो एक हमारा हॉबी क्रिएट हो गया थ्रू दिस चेकबॉक्स एंड क्रिएटिंग माय नेक्स्ट चेकबॉक्स. सो आईडीएस फुटबॉल, ओके, एंड आई एम टेकिंग वैल्यू एज फुटबॉल. ओके, ये वैल्यू उधर डिस्प्ले होगी और कोडिंग के टाइम पे हम ये आईडी इधर से उठाएंगे. ओके, सो नाउ फुटबॉल हो गया, हॉकी आई एम आल्सो गिविंग. चेकबॉक्स से आप क्या कर सकते हो, यू कैन सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स. ओके, सो इधर क्या हो जाएगा, मल्टीपल चेकबॉक्सेस वी कैन सिलेक्ट. ओके, हॉकी. So I'll save it and we will run it. So you can see hobby. Okay. इधर आपने देखा कि कुछ वैल्यू नहीं आ रही because I didn't provide any value. ठीक है, तो आपको कहाँ देना पड़ेगा, you can give over here cricket. ठीक है, या तो आप लेबल में डाल के दे सकते हैं football and हॉकी, ठीक है. सो आ जाएगा इससे. आई गिव ब्रेक ओवर हियर, सिंगल मीन ब्रेक. सो यू कैन सी क्रिकेट फुटबॉल एंड हॉकी एंड यू कैन सिलेक्ट मल्टीपल चॉइसेस.
सो ये हो गया आपका ऑप्शन बॉक्स, चेक बॉक्स मतलब जिसके थ्रू आपने डिफरेंट टाइप के हॉबीज को सिलेक्ट किया है। तो मैंने आपको हॉबी बता दिया, अभी मैं आपको बता रही हूँ फील्ड सेट, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इधर चेक बॉक्स के एट्रीब्यूट्स भी मैंने आपको सारे बताए हैं। एट्रीब्यूट्स में हमने लिया है टाइप, लिया है नेम और आईडी, लिया है वैल्यू, और इधर हम एक और प्रोवाइड कर सकते हैं चेक्ड। चेक्ड मतलब अगर आपको बाय डिफॉल्ट किसी को भी सिलेक्ट करवाना है, सो देयर इज वन एट्रीब्यूट नेम्ड एज चेक्ड, चेक्ड इज इक्वल्स टू चेक्ड, आप लिख के करोगे तो वो आ जाएगा। ओके, नाउ वी विल सी फील्ड सेट एग्जांपल। ओके, फील्ड सेट के लिए अगर एक जैसे हमारे कंट्रोल्स हैं तो उन सबको हम ग्रुप कर सकते हैं अंडर द फील्ड सेट, ठीक है। सो इधर आप देख सकते हो मैं क्रिएट करने वाली हूँ फील्ड सेट फॉर दीस बटन, ठीक है, ये मुझे फॉर दीस कंट्रोल्स, ठीक है। नेम एंड पासवर्ड के लिए मैं एक फील्ड सेट ले रही हूँ, एज यू कैन सी, तो ये सब कुछ मेरे फील्ड में आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं फील्ड सेट कहाँ बंद करूंगी, क्लियर, दिस थिंग, ओके, विल सेव इट एंड वी विल रन इट। सो यू कैन सी दिस इज अ फील्ड सेट। अगर मुझे उस फील्ड सेट को नाम देना है सो एट्रीब्यूट हम यूज कर सकते हैं, एक टैग यूज कर सकते हैं, टैग नेम इज लेसेंट, ओके, इस टैग का यूज कर सकते हैं टू गिव सम नेम टू दिस बॉक्स, दिस फील्ड सेट। सो यूजर इंफॉर्मेशन, ओके, एंड वी विल सी द इफेक्ट एज यू कैन सी। ओके, नाउ आई डोंट नीड दिस बॉक्सेस, ये मैंने आपको बताने के लिए समझाने के लिए बताए थे, सो नाउ आई एम डिलीटिंग देम। ओके, सो दिस बॉक्स इज क्रिएटेड फॉर अस। इधर एक और कंट्रोल मैं आपको बताना चाहती हूँ, दैट इज ईमेल, ठीक है। अगर आपको ईमेल लेना है सो देयर इज वन कंट्रोल नेम्ड ईमेल, मतलब इनपुट टाइप में आप क्या लिखोगे, ईमेल, ओके, एंड इट विल टेक योर ईमेल, ठीक है। ये क्या करेगा, उधर एट द रेट टाइप करना मस्ट हो जाएगा, मतलब ईमेल अगर ईमेल जैसा नहीं दिख रहा है, यूजर इज एंटरिंग सम गार्बेज वैल्यू, मतलब कुछ भी एंटर कर रहा है, दैट इज नॉट एन ईमेल, तो उधर वो आपको मैसेज देगा दैट दिस बॉक्स शुड कंटेन एट द रेट। ओके, सो इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू ईमेल, मैं इधर लिख रही हूँ आईडी आई एम गिविंग एज ईमेल एंड हियर आई एम क्लोजिंग इट। ओके, सो वी विल सी, एज यू कैन सी, ओके, नेम, पासवर्ड, हॉबी एंड ईमेल, ओके, इफ आई सबमिट सो इट विल गिविंग मी मैसेज प्लीज इंक्लूड एन एट द रेट इन दिस ईमेल एड्रेस। ओके, सो आई नीड टू इंक्लूड एट द रेट। Okay, submitting it. So this is the example of form. So likewise, you can create different forms and you can see the effect. You can use different controls and you can create various forms for you. Thank you.